राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन जुटा हुआ है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस बार राज्योत्सव मेले का आयोजन 4 से 6 नवंबर को नया रायपुर अटल नगर में होगा। मेले में मोदी की गारंटी के साथ छत्तीसगढ़ की विकास गाथा को प्रदर्शित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को मीडिया से चर्चा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बलरामपुर दौरे पर को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य की शांत फिजा को खराब करने की मानसिकता से काम कर रही है। जब सत्ता में थी तब पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर राज्य के कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया। वहीं 28 अक्टूबर को होने वाली साई कैबिनेट की बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कल 28 अक्टूबर को विष्णुदेव साई कैबिनेट की 16वीं बैठक है। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विकास कार्यों को तेज गति से करने का काम होगा। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस एजेंडे के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। 4, 5 और 6 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन होना है। राज्योत्सव की तैयारियां व्यापक रूप से की जा रही है, जोर शोर से की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ की विकास गाथा और मोदी की गारंटी को प्रदर्शित किया जाएगा और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए इस छत्तीसगढ़ को अब तक हम कहां लेकर आए हैं, आगे क्या हमारा विजन होगा, इन सब राज्योत्सव के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जिस रास्ते पे चल रही है, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने की मानसिकता से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो सत्ता का पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके राज्य के कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया था, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था। और आज जब छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया है, तब भी उसी मानसिकता से आज कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। पर यह विष्णुदेव साय की सरकार है, किसी भी कीमत पर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे। कोई कानून अपने हाथ में लेगा, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोरमी में कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। कारी डोंगरी के पास मनियारी नदी में एक बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम है। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पुल बहुत बड़ी आबादी के लिए आवागमन का माध्यम बनने वाली है। बहुप्रतीक्षित पुल थी, जिसकी स्वीकृति करने के बाद टेंडर हो चुका है और आज भूमि पूजन करके फिर उस काम प्रारंभ होगा। लुनिया समाज का एक सामाजिक सम्मेलन और भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम है नवरंगपुर में, वहां शामिल होना है। क्षेत्र के लोगों से भेंट मुलाकात और मिलने का भी कार्यक्रम है। रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन है, उस कवि सम्मेलन में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। लोरमी क्षेत्र में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और तेज गति से लोरमी क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के तर्ज पर आज तेज गति से छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों में विकास के काम हो रहे हैं और उसी तरह से आज पूरे प्रदेश भर में सड़कों के मरम्मत का काम तेज गति से चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में प्रदेश के अधिकांश सड़कों का मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में भी पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाई, पर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का क्या हस्त्र किया और दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का वही हस्त्र होने वाला है। रायपुर दक्षिण की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस चुनाव में भी जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अनुभवी, जिसने रायपुर की दशा और दिशा बदली, जो सहज सरल हैं, जिन्होंने राजनीति में अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में लगाया है, ऐसे सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और रायपुर दक्षिण की जनता जिस प्रकार से सुनील सोनी जी को आशीर्वाद दे रही है, ये स्पष्ट संकेत है कि भारी बहुमत से रायपुर दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। विष्णुदेव साय सरकार के कैबिनेट की 16वीं बैठक 28 अक्टूबर को होनी है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट में लगातार निर्णय करके छत्तीसगढ़ के विकास के कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम और जो हमारा ध्येय वाक्य है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, छत्तीसगढ़ को संवारने के निर्णय हो रहे हैं, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हो रहा है
और 16वीं बैठक में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला होगा।